हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ, चूँकि शरद पूर्णिमा आने वाली है और शरद पूर्णिमा पर हम चांदनी रात में ये चावल की खीर बना करके रखते हैं, तो उसके लिए मैं एक बहुत टेस्टी कैरमल खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा तरीका इसका बनाने का, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है खाने में। बिल्कुल एक तरह से जैसे रबड़ी का टेस्ट ऐसा आता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। थोड़े से ही, बहुत थोड़े से चेंज से इस खीर में बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आ जाता है, एक फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस खीर का, और बहुत जल्दी बन जाती है। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम की इसमें ज़रूरत नहीं लगती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन तड़का विद पूजा। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून घी ले लिया है। इसमें थोड़े से काजू और थोड़ी सी किशमिश को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसका हमें कलर बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन सा ही हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और बस अब ये हो गया है, इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इसी के साथ मैंने 2 हरी इलायची को थोड़ा सा कूट करके डाल दिया है, और ये 2 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है। इस चीनी को हमें इसके साथ ही कैरमलाइज करना है। चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब इसे हम थोड़ा सा और चलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे घी और इसको। फिर मैंने इसमें हम जो हमने चावल भिगो के रखे हैं, मैंने आधा कटोरी चावल लिया है, ये 1 किलो के रेशो के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो मैंने ये आधा कटोरी चावल भिगो कर रख दिए थे लगभग 4 घंटे पहले, सोक किए हुए चावल हैं मेरे। और इसको हमें अच्छे से इसमें हल्का सा इसको मतलब भून लेना है चावलों को इसी के साथ, ताकि घी में और इस कैरमलाइज जो ये हमने चाशनी बनाई है, कैरमल बनाया है, इसके साथ ही अच्छे से फ्राई हो जाए चावल। बहुत एक अलग सा टेस्ट आता है इस खीर में। भून लेंगे इसको और अच्छे से चलाते रहेंगे, मतलब इसको 5 मिनट तक हमें इसको अच्छे से भूनना है। अगर ये आपको लग रहा है कि इसमें ये इस तरह से गांठ सी बन गई है या इसमें थोड़ी सी उल्टियाँ सी बन गई हैं, तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम दूध डालेंगे, ये दूध के साथ साथ अपने आप ही मेल्ट हो जाएंगी। अब मैंने 1 किलो फुल क्रीम मिल्क लिया है। अब इसको डाल करके हम अच्छे से चलाएंगे। साथ में मैं इसमें लगभग आधा गिलास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ये फुल क्रीम दूध है तो खीर एकदम से, और उसमें चीनी हम थोड़ी सी डाल चुके हैं इसके अंदर, कैरमल बना चुके हैं उसका, तो इसलिए कि चीनी से खीर नीचे ना लग जाए, इसके लिए हम थोड़ा सा, मैंने आधा गिलास इसमें पानी डाला है। अब इसे पका लेंगे, लगभग आधा से घंटा इसको पकेगा। ये देखिए पक के गाढ़ा हो गया है। तो मैंने इसमें अपने मीठे के अकॉर्डिंग, अब मैंने इसमें 1 कप शुगर डाली है, आप अपना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा केसर का दूध मैंने बना कर रखा था, वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग बना लें, है तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें इसी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा खीर में। एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, और ये शरद पूर्णिमा पे इस तरह से बनाएगा तो वाकई में इस खीर में बिल्कुल अमृत जैसा टेस्ट आता है। अब ये देखिए बिल्कुल अच्छे से भून गई है, अच्छे से पक चुकी है। तो मैंने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स और आधा चम्मच इलायची पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे अभी बंद नहीं करेंगे, पकने देंगे इसको हम लगभग 10 से 15 मिनट और। और ये ऊपर से मैंने और इसमें थोड़े से पिस्ता और बादाम इसमें मैंने काट करके, बारीक बारीक काट करके डाला है। बस अब हमें इसे लगभग और 10 मिनट पकने देना है, अच्छे से दूध मिक्स हो जाना चाहिए। और किनारे पे जितने भी ये लगती जा रही है ना, इसके लिए मैंने भारी तले का ही, इसलिए मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है। कोई भारी तले का भगोना या कोई पैन हो तो आप वही यूज़ कीजिएगा। किनारे से छुड़ाते रहेंगे। अभी हमारी खीर लगभग पक चुकी है, इसको सर्व कर लेते हैं मन चाहे किसी भी उसमें, और आप चाहें तो ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसे तले हुए काजू और किशमिश बादाम से ही गार्निश किया है। बनाइए, खाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ये खीर बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये खीर मेरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।